Good morning, children. Today we will learn the chapter Every Drop Counts. It signifies the importance of water. Every drop of water is very precious. We must conserve it. We must save every drop of water. In Hindi we say bin pani sab soon. Pani ke bina sab soona hai. Pani ke bina hum koi bhi kaam nahi kar sakte hain aur hum pani ke bina hamara jeevan bada impossible hai, asambhav hai. To ye cheez hame is chapter se milegi ki this is the picture of now we have to study about this Garhsisar lake that is situated in Jaisalmer. So this is a picture of Garhsisar. Sar means a lake. Sar means a lake. King Garhsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. King Garhsi was the king of Jaisalmer. Jaisalmer एक छोटा सा राज्य था उन दिनों. उस समय में हमारा देश कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था. तो हर जो सिटी है उस समय एक राज्य कहलाती थी. तो जिस तरह से देहरादून है तो उसका भी एक राजा होता था. लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, इन सब के अलग अलग राजा होते थे. तो इसी तरह जैसलमेर का भी राजा था एंड जिनका नाम था गार्हसिसार. तो उन्होंने एक लेक बनाई यहाँ पर जैसलमेर में विद द हेल्प ऑफ पीपल, लोगों की मदद से. ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वॉटर. और लेक के चारों तरफ, ऑल अराउंड मीन चारों तरफ, देयर आर घाट्स बने हुए हैं एंड विद द स्टेप्स, स्टेप लगे हुए उसमें. स्टेप मीन्स सीढ़ियां, सीढ़ियां लीडिंग टू द, पानी की तरफ जाते हुए सीढ़ियां बनी हुई है. एंड डेकोरेटेड वरंडाज, वहां पर जो वरंडा बने हैं बड़े डेकोरेटेड हैं. बरामदे जो हैं बड़े बड़े हैं और बहुत सुंदर तरीके से उनको डेकोरेट किया गया है. और लार्ज हॉल्स हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, रूम्स एंड मच मोर रूम्स हैं, कमरे हैं और बहुत कुछ है वहां पर देखने के लिए, बहुत सुंदर. पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. तो वहां पर लोग आया करते थे उस समय में क्या करने को, सेलिब्रेट करने को, फेस्टिवल्स त्योहार मनाने को, अपने तरह तरह के जो त्योहार है उनको मनाने वहां पर आते थे. एंड प्रोग्राम करने को, म्यूजिक और डांस के बड़े बड़े प्रोग्राम, क्लासिकल प्रोग्राम्स वगैरह वहां पर किए जाते थे. और बच्चे भी वहां पर स्टडी करने को आते थे स्कूल में, ऑन द घाट, घाट में वहीं पर स्कूल लगते थे और उनमें बच्चों को पढ़ाया जाता था. द तालाब बिलोंग्ड टू एवरीवन. ये तालाब जो है सबका था, मतलब ये किसी एक का नहीं था, सबका था और सब इसका इक्वली इसकी केयर करते थे. सभी लोग इसकी केयर करते थे, इसकी सफाई करते थे और इसका ध्यान रखते थे. तो रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स. उसमें जो रेन वाटर कलेक्ट होता था, बारिश का पानी इस लेक में कलेक्ट होता था. लेक मीन्स होता है झील. तो इस झील में पानी जो कलेक्ट होता था वो मेनी माइल्स, बहुत कई किलोमीटर तक वो चलता था, कई मीलों तक वो पानी फैला हुआ था. मतलब ये लेक कई माइल्स तक फैली हुई थी. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट वेन द लेक वॉज फुल. ये इस तरीके से बनी हुई थी लेक कि जब वो एक लेक फुल हो जाती थी तो एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन टू अनदर लेक. तो एक्स्ट्रा वाटर जो होता था इसमें वो दूसरी लेक में चला जाता था, एट अ लोअर लेवल. लोअर लेवल की जो दूसरी लेक थी उसमें चला जाता था. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. और वो जब वो सेकेंड वाली लेक भी भर जाती थी तो उसका एक्स्ट्रा वाटर जो था वो थर्ड लेक में चला जाता था. This way all nine lakes filled up. इस तरह से सारी नाइन लेक्स भर जाती थी. There were nine lakes in the same sequence. इसी तरह इस सीक्वेंस में नाइन लेक्स वहां पर बनी हुई थी जो कि इन्होंने बनवाई थी गार्हसिसार ने. This rain water could be used throughout the year. देखो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है. वहां पर पानी, बारिश जो है साल में केवल 10 या 12 दिन उन लोगों को बारिश मिल पाती है, रेन वाटर मिल पाता है. वहां पर बारिश की बहुत कमी है जिससे पानी बहुत कम है वहां पर. तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा यूज था इस लेक का, जो कि रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करके यहाँ पर बनाया गया था. रेन वाटर कलेक्ट करके इसको बनाया गया था. तो इसको लोग साल भर इसका यूज करते थे फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, वॉटरिंग एंड एग्रीकल्चर एटसेट्रा. तो एग्रीकल्चर आदि में, कृषि में भी इसका यूज किया जाता था इसी पानी का. तो इससे बहुत फायदा था लोगों को. लेकिन नाउ द वॉटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स. अब लेकिन इन लेक्स पर पानी कलेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप.
इन बिटवीन दोज नाइन लेक्स. तो इन नाइन लेक्स के बीच में बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, तो जिस कारण पानी कलेक्ट नहीं हो पाता. रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड. तो रेन वाटर जो है खाली ऐसे बह जाता है और वो कलेक्ट नहीं होता वहां पर और ऐसे वेस्ट हो जाता है, मतलब उसका लोग यूज नहीं कर पाते हैं. Now we will look at the lake through the eyes of अल बिरूनी. तो हम अल बिरूनी की आईज से इसको लेक को देखेंगे. देखो अल बिरूनी कौन थे ये आपको पता होना चाहिए कि अल बिरूनी जो थे वो एक ग्रेट ट्रेवलर थे, बहुत महान ट्रेवलर थे, बड़े स्कॉलरली पर्सन थे, बहुत विद्वान आदमी थे. He came to India, वो इंडिया आए एक बार. तो वो जो थे उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे. उज्बेकिस्तान जो है इट इज अ कंट्री इन सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में एक देश है उज्बेकिस्तान, ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है. तो यहाँ के रहने वाले थे ये अल बिरूनी. तो जब ये यहाँ आए तो उन्होंने लेक को देखा, तो लेक को देखकर वो बहुत ही आकर्षित हुए. ही वॉज ग्रेटली अट्रैक्टेड एंड इम्प्रेस्ड टू सी द लेक एंड ही रोट डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ. जो कुछ भी उन्होंने देखा उन्होंने एक बुक में लिखा इसको, सारे डिटेल्स उन्होंने एक बुक बनाई उसके लिए. ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री. तो उन्होंने ज्यादातर उन चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंट दी जो कि उनकी कंट्री से अलग चीजें मिली उनको. यहाँ पर कई चीजें ऐसी मिली जो कि उनकी कंट्री में कभी नहीं देखी थी उन्होंने, तो उन्होंने इसलिए उन चीजों को ज्यादा ध्यान से देखा. और हेयर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम. तो यहाँ पर एक पार्ट है जो कि पॉन्ड्स जो कि उन्होंने देखा उनके बारे में जो लिखा उसके बारे में वो देखिए आप. द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. तो कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो पॉन्ड बनाने में, लेक्स बनाने में बड़े स्किलफुल है, बड़े कुशल है, निपुण है, बहुत होशियार है. माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम. मेरे कंट्री मैन मतलब मेरे देश के लोग जब उनको देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे बनाई होगी इतनी सुंदर सुंदर लेक, इतनी यूजफुल लेक्स. दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरास. तो वो क्या करते हैं कि पाइल अप करते हैं ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों को वो एक इकट्ठा करते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं किससे, आयरन रॉड से, और उसके द्वारा वो चबूतराज बनाते हैं, चबूतरे बनाते हैं. अब चबूतरा क्या होता है, रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, जो जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म बना रहता है, दैट इज कॉल्ड चबूतरा. तो ऑल अराउंड द लेक, लेक के चारों ओर चबूतरे बने हुए थे, रेस्ड प्लेटफॉर्म बने हुए थे. बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केसेस. तो उनके बीच बीच में लंबी लंबी स्टेयर केस बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी, गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर की ओर जाते हुए और नीचे की ओर आते हुए सीढ़ियां बनी हुई थी. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट. तो आने और जाने की सीढ़ियां जो है दोनों अलग अलग हैं. आने के लिए अलग सीढ़ी है नीचे को आने के लिए, ऊपर जाने के लिए अलग सीढ़ियां हैं. सो देयर इज लेस क्राउडिंग. ताकि वहां पर मतलब इसलिए बनाया गया है ऐसा ताकि भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि ऊपर को जाने वाले लोग अलग सीढ़ी से जाए और नीचे आने वाले लोग अलग सीढ़ी से आए तो भीड़ नहीं होगी, लोग एक दूसरे से नहीं टकराएंगे. तो बहुत अच्छा इंतजाम वहां पर किया गया है जिसको देखकर उनको बहुत अच्छा लगा. तो टूडे वेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल बिरूनी. अगर आज हम हिस्ट्री पढ़े, इतिहास पढ़े, तो हमें इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा. अल बिरूनी की राइटिंग के द्वारा उन्होंने जो कुछ लिखा उसके उससे हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी इनके बारे में, जो लेक्स है इनके बारे में. तो ये देखो अल बिरूनी जो थे इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने महान स्कॉलर थे, इतने विद्वान आदमी थे कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टैंप भी डेडिकेट किया उनको. ये देखिए दिस स्टैंप केम आउट इन 1973 में आया ये स्टैंप जो कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने निकाला है. एंड थाउजेंड ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, उनके जन्म के 1000 साल बाद ये स्टैंप निकला. देखिए कितने महान थे वो ट्रेवलर, ग्रेट ट्रेवलर थे. अब देखिए ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट. नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व. अब चिल्ड्रन विल देमसेल्व्स ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट दीज थिंग्स. लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल. अपने स्कूल के चारों के एरिया को देखो. आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एटसेट्रा. क्या वहां पर कोई फील्ड्स है, फार्म्स है, पक्के रोड्स है या ड्रेन्स है, क्या है वहां पर.
एरिया स्लोपिंग रॉकी और फ्लैट, क्या वो एरिया स्लोपिंग है, ढलान वाला है, रॉकी चट्टानों वाला है या फ्लैट है, कैसा है? थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन इट रेन्स, तो अगर अगर वहां पर रेन होती है तो क्या होगा, वहां पर इस तरह का एरिया होगा तो वेयर विल द रेन वाटर गो, रेन वाटर कहाँ जाएगा, इन द क्या वो ड्रेन्स में जाएगा, पाइप्स में जाएगा या पिट्स में जाएगा, कहाँ जाएगा वो पानी? इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इन टू द सॉइल, क्या ये पानी कुछ सॉइल में भी सोक्ड हो जाएगा? तो यू हैव टू स्टडी ऑल दिस चिल्ड्रन, ऑब्जर्व दिस, एंड इट इज ऑल फॉर टूडे. Now, thank you and have a nice day, children.